हेलो स्टूडेंट्स, तो बहुत ही ज्यादा स्टूडेंट्स हैं जो परेशान रहते हैं कि भैया आप बोलते रहते हो कि फ्री टेस्ट सीरीज है, कहाँ पे टेस्ट सीरीज है। मैं आप लोगों को बता दूं, एक दो नहीं बल्कि 50 से 60 टेस्ट सीरीज इसके अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिनका आप बेनिफिट ले सकते हो। और इसके अलावा भी फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट इसके अंदर अपलोड होते रहते हैं, मैं सारी की सारी चीजें बताऊंगा। इसके अलावा मैंने बहुत सारी वीडियोज उसके अंदर ऐप के डाली हुई है कि किस तरीके से आप लोगों को कंटेंट मिल रहा है, क्या हो रहा है। उसके बावजूद भी पेड स्टूडेंट भी नहीं देखते हैं, तो ये वीडियो है उन लोगों के लिए जो फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट एप्लीकेशन में लगाना चाहते हैं, उनको मिलते नहीं है। आप लोगों से मैं प्रॉमिस कर रहा हूं कि आपने पूरे इंडिया में इस तरीके के टेस्ट नहीं लगाए होंगे, आप एक बार टेस्ट जरूर से जरूर लगा के देखना, सिर्फ एक बार। फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट है, आप जिस तरीके से टेस्ट बुक पर टेस्ट लगाते हैं ठीक उसी तरीके से आप फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट लगा के देखिए, चाहे वो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्रॉइंग हो, चाहे वो मैथ्स हो, रीजनिंग हो। हर चैप्टर के आप लोगों को चैप्टर वाइज भी हैं, मिक्स भी हैं, और न जाने कितने टेस्ट हैं। चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूं आपको किस तरीके से अपने टेस्ट देखने हैं, जो बहुत ही सिस्टमैटिक वे में आप लोगों को टेस्ट मिलेंगे। और आज जैसे कि टारगेट डे 1 हुआ 2 हुआ, तो उनके पर्सनली भी 1 2 टारगेट हैं। इसी के अलावा उनके वीकली भी टेस्ट हैं, जैसे आज 1 हो गया 2 हो गया, तो इसका हमने अलग अलग टेस्ट भी डाला हुआ है, फिर 1 2 का पूरा वीकली भी डाला हुआ है। इसी तरीके से 3 और 4 का आज जो टेस्ट जाएगा वो कहां पे जाएगा, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ आई होगी। तो चलते हैं, अब आप लोगों को दिखाते हैं किस तरीके से आप लोगों को चीज करनी है। उससे पहले मैं ये बता दूं कि ये जो आप लोगों का एएलपी का क्रैश कोर्स है, जो 299 में आप लोगों ने स्टार्ट किया गया है, इसमें आप लोगों को बहुत सारी चीजें, बहुत सारी टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाई जा रही हैं, गाइडेंस हो कंप्लीट, और इतने ज्यादा बेस्ट स्टूडेंट्स के रिव्यूज हैं कि अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ यार भैया सच में क्या कंटेंट दे रहे हो, क्योंकि कोई भी बच्चा ऐसे नहीं बोलता है। आपको ये देखिए, आप यहां देखिए, ये स्टूडेंट्स हैं, एक बार आप सिर्फ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टाइम मत लीजिए, बाद में पढ़ लीजिएगा। ये स्टूडेंट्स हैं जो बोलते हैं टारगेट्स के बारे में, एक बार आप सिर्फ स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, और फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि फ्री ऑफ कॉस्ट कहां पे क्या चीजें मिल रही हैं। आप इनको सिर्फ एक बार पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कितना बच्चे लुत्फ उठा रहे हैं अपने बैच का, कितने मजे से पढ़ाई कर रहे हैं। और ये तो सिर्फ एक डेमो है, ना जाने कितने सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के मैं आप लोगों को मैसेजेस दिखा सकता हूं। ये इस तरीके के मैसेजेस आप देख सकते हैं, ये सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के हैं जो मैसेज हैं। तो गाइज, इन सब चीजों को आप देखने के बाद अब चलते हैं एप्लीकेशन की ओर। रिव्यूज तो आपने देख ही लिए हैं, अब चलते हैं आप लोगों को कंटेंट कहां मिलेगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेरी है बच्चों की। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, बीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन ये जरूर से जरूर ओपन कर लेनी है। जैसे ही ये ओपन होगी एप्लीकेशन, तो कुछ इस तरीके से एप्लीकेशन ओपन होती है, मैं दिखा देता हूं पूरी तरीके से। जैसे ही एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से आप लोगों के पास एप्लीकेशन ओपन होगी। इसमें सबसे पहले नंबर पर ये क्रैश कोर्स दिखेगा एएलपी सीवीटी 1 के लिए। इससे आगे हम टेक्नीशियन और ग्रुप डी दोनों की साथ में प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों एग्जाम का सिलेबस बिल्कुल सेम है। सिलेबस तो एएलपी का भी सेम है प्री का, लेकिन बात यह है कि इसको बहुत तेजी से चला रहे हैं, आपको एकदम फाउंडेशन से लेके चलेंगे। यहां पे आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी है, वहां पे आप आराम आराम से चीजों को लेके चलेंगे बेहतरीन वे में। तो फिलहाल यहां पे जो बात कर रहे हैं हम लोग, ये आप लोगों का क्रैश कोर्स है। तो जो फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज है वो भी आपको यहीं मिलेंगी, कंटेंट भी आपको यहीं मिलेगा। तो जैसे मेरे में व्यू कोर्स दिखा रहा है, क्योंकि मैंने परचेज किया हुआ है। आपने अगर परचेज किया हुआ है तो व्यू कोर्स दिखाएगा, अगर आपने परचेज नहीं किया हुआ है, न्यू स्टूडेंट है, तो आपको दिखाएगा व्यू डेमो। आप उस व्यू डेमो पे क्लिक करें, आप इस कोर्स के अंदर एंटर हो जाएंगे। तो सबसे पहले नंबर पे आप लोगों को जो प्रॉब्लम आ रही है टेस्ट की, तो चलिए मैं एक मिनट, ये कंटेंट है यहां पे, इसमें जो हमारे ऐप वाले स्टूडेंट हैं, आपको इनडेप्थ अगर नॉलेज चाहिए तो ये जो वीडियो है देखिए, पहले दूसरे तीसरे चौथे नंबर की, न्यू स्टूडेंट्स देख लो आपको सारा कंटेंट कहां मिलेगा। आपको ये वीडियो देखना कंपलसरी है, इस वीडियो के अंदर सब कुछ बता दिया गया है। ये आंखों के लिए रिगार्डिंग वीडियो बनाई हुई है, सारी की सारी चीजें बहुत बेहतरीन तरीके से समझाई हुई है। ये सिलेबस डिस्कशन है आप लोगों का, 40-40 मिनट से भी ज्यादा की वीडियोस है एक एक, और इसके अंदर आप लोगों को इन डेप्थ सिलेबस एनालिसिस करवाया हुआ है सारा। 2 घंटे के सेशन है ये, जिसमें सिलेबस ही डिस्कशन हुआ है, क्योंकि सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके अलावा
आप लोगों के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वही मैं बताने जा रहा हूं। ये तो टारगेट्स वीडियोस हैं, इनकी पीडीएफ यहीं मिल जाएंगी। ये जैसे टारगेट कैसे कंप्लीट करना है, टारगेट क्या होता है, ये सारी चीजें हैं। टारगेट डे वन और उसका कंटेंट, इसके नोट्स सब यहीं हैं। टारगेट डे टू, इसके नोट्स, इस तरीके से सारी की सारी चीजें यहां पर इसके अंदर पड़ी हुई है। आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ आई है। अब चलते हैं आप लोगों के टेस्ट सीरीज की तरफ। तो देखो, कंटेंट, लाइव टेस्ट सीरीज, ये तीसरे नंबर पे। आप जब टेस्ट पे आएंगे, आपको भी ऐसे ही आना है, जो फ्री वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए भी आप आइए। मैथ्स में देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये दो टेस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट स्टार्टिंग के देखने को मिलेंगे। इसके अंदर और टेस्ट लगातार अपलोड होते जाएंगे, जो आज भी होंगे कुछ टेस्ट अपलोड। तो ये टेस्ट आप फ्री ऑफ कॉस्ट लगा सकते हैं। फिर इसके बाद आप चाहें तो दूसरे सेक्शन में आएंगे साइंस में, यहां पे भी जो फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट हैं, बीच में भी फ्री होते रहते हैं, तो आप इन टेस्टों को लगा सकते हैं। और मैं कह रहा हूं आप इसको नहीं, आप एक बार, अगर आपने बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ी है तो आप एक बार सिर्फ बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग पे क्लिक करें और उसका कोई भी एक टेस्ट जो ऊपर के आपको फ्री दे रखे हैं, आप एक टेस्ट लगा के देखिए, सिर्फ एक बार। आपको एक अलग ही लेवल की चीजें देखने को मिलेंगी। जब आप सॉल्यूशन देखेंगे आपको लगेगा यार ये टेस्ट तो मैंने आज तक कहीं लगाया ही नहीं, इस लेवल के टेस्ट तो मैंने कभी लगाए ही नहीं है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप किसी भी सेक्शन में जाके, ना सिर्फ इसमें। अब देखिए टारगेट डे टेस्ट, जैसे आप टारगेट एक कंप्लीट हुआ आपका, तो आप टारगेट डे टेस्ट यहां लगा सकते हैं। आरआरबी एएलपी टारगेट डे वन, डे टू, डे थ्री, डे फोर, इस तरीके से जो जो कंप्लीट होते जाएंगे वो टेस्ट आपको यहां लगाते रहने हैं। ये सारे के सारे टेस्ट ऑलरेडी इसके अंदर है, जो आपके टारगेट जाते रहेंगे आपको वो टेस्ट लगाते रहना है। इसके अलावा जो हम हफ्ते में, जैसे एक हफ्ते में हमारे दो टारगेट्स कंप्लीट होते हैं, तो उन दो टारगेट का जो टेस्ट है वो आप लोगों का 45 डेज क्रैश कोर्स वीकली टारगेट डे टेस्ट। इसके अंदर अभी एक टेस्ट डला है, आज एक शाम को डलेगा, तो वो इसी के अंदर मिलेगा। आप लोग जो इधर उधर भागते हैं, आपको कहीं नहीं जाना है, क्रैश कोर्स पे क्लिक करना है और इसी के अंदर आप लोगों को टेस्ट लगाना है। ठीक इसी तरीके से ये फुल मॉक टेस्ट है जो हम फुल बनवा रहे हैं, जो लगातार बनेंगे, ऐसे एक साथ नहीं दे सकते हम, क्योंकि अभी दे देंगे फिर करंट आप लोगों की पुरानी हो जाएगी, तो आपको लगेगा कि भैया ने लेटेस्ट नहीं थे, तो धीरे धीरे इसमें ऐड हो रहे हैं। ठीक इसी तरीके से मिक्स टेस्ट, क्योंकि आप न्यू स्टूडेंट हो तो ये अभी इतने ज्यादा यूजफुल नहीं है। अगर आपने पुराने स्टूडेंट है तब तो ये ऐड हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और ऐड भी होंगे, लगातार ऐड हो रहे हैं। तो न्यू स्टूडेंट को तो अभी इन लगाने की जरूरत नहीं है। न्यू स्टूडेंट्स के लिए हमने रीजनिंग चैप्टर वाइज टेस्ट, बेसिक साइंस चैप्टर वाइज टेस्ट, मैथ्स चैप्टर वाइज टेस्ट, ठीक है, और साइंस में हमने पूरा, देखिए साइंस का लास्ट वाला सेक्शन है साइंस एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर, ये टोटल टेस्ट। फिजिक्स के लगाने हैं तो फिजिक्स में आइए, और फिजिक्स में पहला चैप्टर मोशन है तो इजी लेवल टेस्ट मोशन का, मॉडरेट लेवल टेस्ट मोशन का, फोर्स एंड लॉज मोशन का पहला टेस्ट इजी लेवल, फिर मॉडरेट लेवल, इस तरीके से आप लोगों के ये टेस्ट इसके अंदर अवेलेबल है। आई होप कि आप लोगों को ये टेस्ट दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं, तो इस तरीके से आप टेस्ट लगाएं। और फिर इस तरीके से यहां पे केमिस्ट्री के टेस्ट हैं जो चैप्टर वाइज हैं, एक एक टेस्ट में 35-35 क्वेश्चंस, 30-30 क्वेश्चंस, और उनके जो सॉल्यूशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आप लोगों को करना है। उससे इंपॉर्टेंट मैं अभी बाकी चीजें बताऊं, सबसे पहले आपको एक चीज बहुत ही ज्यादा जरूरी है जो दिखा दूं, ये जो टेलीग्राम ग्रुप है, अगर आपने बैच ज्वाइन कर लिया किया है तो ये ऐप की ओर से ही प्रोवाइड करवाया जाता है आपको। ये ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन करना है, इस ग्रुप में ही सब कुछ होना है, ये समझ लीजिए आप। ये जो ग्रुप है एएलपी सीबीटी वन क्रैश कोर्स टेलीग्राम, टेस्ट के बाद टेलीग्राम ग्रुप, इसको आपको ज्वाइन करना है, बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मेरे ऑडियो मैसेजेस और नोट्स सारी की सारी चीजें आपको इसमें ही मिलेंगी। अब आप सोचो कि इसमें ऐसे ही ज्वाइन हो जाए, तो ऐसे ज्वाइन नहीं हो सकते हो, क्योंकि ये कोर्स के अंदर ही मिलता है जब आप परचेज करके अंदर चले जाते हो। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि इस ग्रुप को आपने अगर कोर्स परचेज किया तो जरूर से जरूर ज्वाइन कर लें। टेस्ट की अगर क्वालिटी देखनी है तो मैं आज आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ज्यादा मत करिए, सिर्फ कोर्स के अंदर जाइए, टेस्ट पे जाइए, कोई भी, चाहे इंजीनियरिंग ड्राइंग का, मैथ्स का, वो छोड़िए, ये पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं आप लोगों के, आप यहां आइए और इसके अंदर चाहे फिजिक्स का, ये मैं कह रहा हूं आप बायो का ही लगा के देख लीजिए एक बार बायो का टेस्ट। ये अभी हमने एक अभी लेटेस्ट टेस्ट डाला है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ये पहला चैप्टर है हमारा एनसीईआरटी का, चैप्टर नंबर 5, पूरे चैप्टर वाइज नोट्स बने हुए हैं। आप इस टेस्ट को एक बार लगाइए, आप इसके सॉल्यूशन देखिए, आप दीवाने हो जाएंगे टेस्टों के। ये देखिए यहां पे दिया गया है, इसके बाद आप एग्री एंड कंटिन्यू करेंगे, ये आपको क्वेश्चंस मिलेंगे पूरे बिल्कुल बेसिक से, यहां से जीवन की मूलभूत इकाई क्या है, तो आपने लगाया कोशिका है,
फिर उसके बाद यहां बढ़ेंगे, फिर आपके पास ये आया क्लोरोफिल, जितने इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ग्रुप डी 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप, ये क्वेश्चन है, जितने आने वाले क्वेश्चन है वो सारे के सारे यहां पर आप लोगों के रहते हैं। इस तरीके से आप इंग्लिश और हिंदी में क्वेश्चन लगा सकते हैं। अब मैं इनका सोल्यूशन दिखाता हूं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारी एप्लीकेशन की जो खास बात है वो सोल्यूशन ही है। आप अगर सोल्यूशन देखें तो आपको दिखेगा कि यार इन्होंने तो कमाल कर रखा है। यहां पे देखिए, और आपके रैंक वैंक रिजल्ट रिजल्ट सारी चीजें इस पे दिखेंगी। तो फिलहाल हम यहां पे चलते हैं, एक करेक्ट क्वेश्चन हमारा यही है, इसको हम दिखाते हैं। तो इसके सॉल्यूशन देखिए आप, आपको थोड़ा सा लगेगा कि यार भैया ने तो बिल्कुल ऐसा कर दिया है। मैं कह रहा हूं अगर आपने एक बार टेस्ट लगा लिया तो आपको कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, फिर चैप्टर पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपने चैप्टर पढ़ने के बाद यह टेस्ट लगा लिया, पूरा रिविजन यहीं से हो जाएगा। ये देखिए, आपको भले ही कम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लेकिन ऐसे मिलेंगे कि आपको पूरी तरीके से देखिए। यहां पे मैंने कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट डाले हैं, पहले तो इसी से रिलेटेड है। सेल का पूरा डिवीजन आप देखिए यहां पे इंग्लिश हिंदी में, ये देखिए आप सेल, ये देखिए पूरा सेल की डिटेल्स। ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट डाले हैं जो आने वाले हैं। ये देखिए बीआईपी गुरुजी एक्स्ट्रा फैक्ट, जैसे कि नर्व सेल जो है उसमें डिवीजन नहीं होता है, लीवर सेल सबसे ज्यादा विभाजन होता है, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका ये है। कोशिका से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आने वाले क्वेश्चन है वो सारे यहां डाले हैं, ये इंग्लिश में डाले हैं। फिर उसके बाद ये भी बताया है कि कोशिका के डिफरेंट अंगों का कार्य आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई नहीं बताएगा आपको तो कोशिका झिल्ली का क्या काम होता है, तारकाय का क्या काम होता है, क्लोरोप्लास्ट का क्या काम होता है, कोशिका द्रव्य का काम होता है, ये सारे के सारे काम हिंदी में यहां दिए। फिर इसके बाद मैंने आप लोगों को ये इंग्लिश में दिए कि इसका क्या काम है, इसका क्या काम है, यही आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ये हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम बाकी हमने अनअटेम्प्ट थे हमारे क्वेश्चंस, तो हम अनअटेम्प्ट में जाएंगे, यहां देखेंगे। तो बाकी के जो क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशंस आपको ये देखने को मिलेंगे। इस तरीके से आप लोग सॉल्यूशन देख सकते हैं कि कितने बेहतरीन वे में क्वेश्चंस। और देखिए जो आपके क्वेश्चंस उठते रहते हैं आजकल, बहुत डेप्थ में चीजें पूछी जाती हैं, तो वो ये भी डाली गई है कि कोशिका की खोज किसने की, ये सारी चीजें, कोशिका को जीवन की संरचना में क्यों कहा जाता है, गोल्जी उपकरण ना हो तो कोशिका के जीवन क्या होगा, इस तरीके का एक एक क्वेश्चन आप लोगों को यहां पर दिया गया। ठीक इसी तरीके से ये क्लोरोफिल नाइ, ये देखिए आपको पूरी डेप्थ में सॉल्यूशन दिए गए। फिर आप यहां आइए, यहां पे देखिए किस तरीके से आप लोगों को सॉल्यूशंस दिए गए हैं। ये देखिए कंपेयर कर दिया हमने प्लांट और एनिमल सेल्स, कुछ चीजें उन दोनों में कॉमन होती हैं, कुछ चीजें सिर्फ प्लांट में होती हैं, कुछ चीजें सिर्फ एनिमल में होती है या एनिमल में नहीं होती है। तो इस तरीके से आप लोगों को पूरी डिटेल के साथ सॉल्यूशंस दिए गए, जो एक से एक बेहतरीन सॉल्यूशन है। आप सिर्फ एक टेस्ट लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि यार यहां पे तो बहुत ज्यादा बेहतरीन तरीके से कंटेंट एनसीईआरटी उठाकर डायरेक्ट इसके अंदर पुट की गई, जिससे कि आप लोग अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर पाए। तो आई होप कि आप लोगों को इन टेस्टों का लेवल समझ आया है। और यह सिर्फ बायो नहीं, मैथ्स में भी, रीजनिंग में भी, सब में इतने बेहतरीन तरीके से आप लोगों को चीजें प्रोवाइड करवाई गई। हिंदी इंग्लिश दोनों का एकदम बेहतरीन सॉल्यूशन इसके अंदर प्रोवाइड करवाया गया है। तो आई होप कि आप लोगों को यह बात समझ आ गई होगी। तो ये जरूर से जरूर आप लोग टेस्ट लगाएं, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। और ना सिर्फ ये टेस्ट बल्कि आप कोई भी टेस्ट, चाहे वो केमिस्ट्री के हो, यहां केमिस्ट्री के मिलेंगे। झुंडबाज जंग की घड़ी की तुंग हार दो, आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंडबाज जंग की घड़ी की तुंग हार दो, आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। सबर और ध्यान दोनों से सुनिए, इस बार सिर्फ मजा ही नहीं, ताज्जुब भी होगा।
यहां बायो के मिलेंगे, यहां आपको फिजिक्स के मिलेंगे। ये टेस्ट आप लगाइए, सारे के सारे टेस्ट, इसमें बहुत सारे टेस्ट फ्री हैं। रीजनिंग के चैप्टर वाइज लगाने हैं, आप रीजनिंग पे आइए, जिस तरीके से हम करा रहे हैं, जैसे कोडिंग एंड डिकोडिंग कराया उसका टेस्ट लगा लीजिए, मिसिंग नंबर नंबर सीरीज का लगा लीजिए, एनालॉजी और सिमिलैरिटी का लगा लीजिए, काउंटिंग्स ऑफ फिगर का लगा लीजिए, वाटर एंड मिरर इमेज का लगा लीजिए, सिटिंग अरेंजमेंट का लगा लीजिए, ये सारे के सारे टेस्ट इसके अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है, आप लोग इनके टेस्ट लगा सकते हैं। मैथ्स में देख लीजिए, मैथ्स के भी सारे चैप्टर्स के टेस्ट अवेलेबल है, नंबर सिस्टम है, एलसीएम एचसीएफ है, स्क्वायर रूट है, ये देखिए सारे के सारे टेस्ट इसके अंदर ऑलरेडी डाले गए हैं, तो आप इन टेस्टों को जरूर से जरूर लगाएं। और ये टेलीग्राम ग्रुप, अगर आप ऐप के स्टूडेंट हैं तो सारा का सारा कंटेंट आप ये समझिए कि यहीं पे पड़ा हुआ है, इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जरूर से जरूर आप ज्वाइन करें। इस ग्रुप में क्या होगा, जैसे आप मान लेते हैं आप नए बच्चे हो, आप नए बच्चे अगर हो तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि ये आपका ग्रुप है, इस ग्रुप में आप एनरोल होंगे, इस ग्रुप में आपको सारी की सारी चीजें कि कब कौन सा टेस्ट होगा, ये देखिए ऑडियो नोट है, इसमें बच्चे सुन रहे हैं किस तरीके से क्या है, इसी के साथ यहां पर पिन ग्रुप है, इस ग्रुप में इंपॉर्टेंट मैसेज और कंटेंट शेयर किया जाता है, इसमें तो कंटेंट है आपका सिर्फ, और बाकी जो सारी चीजें हैं वो डिस्कशन ग्रुप का लिंक यहां से मिल जाएगा आपको, इस लिंक पे आप जाएंगे और इस लिंक में आप लोगों को जो इस पे क्लिक करोगे तो लिंक मिलेगा, वहां पे आप डिस्कस कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन दे सकते हैं, और लाइव मीटिंग्स जो होती हैं वो भी इसी में रहती हैं। अब आपको स्क्रॉल करते करते बिल्कुल जीरो पे जाना है, या यहां पे मैंने एक मैसेज डाला हुआ, ये देखिए सरस्वती माता का ये आपको दिख रहा होगा, यहां से आपका बैच 26 जून को ये स्टार्ट हुआ है, आप इस बैच को यहां से जो ये चीज है बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करें, और यहां से एक एक चीज, कोई भी ऐसा विद्यार्थी, मैंने सारी गाइड करा है यहां पे, बुक्स आपकी हैं, नोट्स आपके हैं, सब कुछ आपको इसी के अंदर मिल जाएगा, तो आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। अब मान लेते हैं आपको टारगेट नहीं मिल रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, अपने ग्रुप में जाएं और इस ग्रुप का यहां से क्लिक करें और इस ग्रुप के फाइल सेक्शन में आए, किसमें, फाइल सेक्शन में आए, इस ग्रुप के जैसे ही आप फाइल सेक्शन में आएंगे तो आपको सारी की सारी चीजें इसके अंदर शो होने लग जाएंगी। आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ आ रही है। ये जो फाइल सेक्शन है ये वाला, इसके अंदर सारी की सारी जो भी नोट्स हैं, बुक्स हैं, आपको सब इसके अंदर मिलेगा, हर टारगेट का इसके अंदर आप लोगों को नोट्स मिल जाएगा। यहां पर अगर मैं दिखाऊं तो आप लोग देखिए, जैसे कि मैं एनसीईआरटी के नोट्स प्रोवाइड करवाता हूं, ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को मिल जाएंगी। ये ALPCVT1 का टारगेट डे टेस्ट है, नोटिस है, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आप लोगों को इसके अंदर मिल जाएंगी। इसके अलावा जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आप लोगों को इसके अंदर जाती रहती है, तो ये ज्वाइन करना है। इसको ज्वाइन करने के बाद आपको ये वाला ग्रुप भी ज्वाइन करना है, क्योंकि ये ग्रुप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी। तो ये आप लोगों का क्रैश कोर्स चल रहा है, जिसके अंदर आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो अगर आप नए स्टूडेंट हैं और ज्वाइन होना चाहते हैं तो निश्चित तौर से ज्वाइन हो सकते हैं। आप लोगों को जिस तरीके से इन लोगों को रिजल्ट्स दिख रहे हैं, देखिए ये अपनी तरफ से तो नहीं कह रहे हैं, भैया आप सही बोलते थे, जब आप ऑनेस्टली से टारगेट अचीव करना स्टार्ट कर दोगे तो डे एंड नाइट का पता ही नहीं चलेगा। मैं ये लिख के दे रहा हूं आप लोगों को, अगर आपने दिल लगा के टारगेट अचीव करना शुरू कर दिया तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका टाइम कैसे बीत रहा है। रोज डेली जो आप 2 घंटे नहीं पढ़ पा रहे हो, कभी ये बुक उठा रहे हो, कभी वो बुक उठा रहे हो, आप जब टारगेट के अंदर आओगे तो आप ऑटोमेटिकली 8 से 10 घंटा पढ़ना शुरू करोगे। इसमें कुछ काम नहीं करना है, आप ऑटोमेटिकली पढ़ोगे, क्योंकि आपके पास एक टारगेट है कि ये मुझे अचीव करना है नेक्स्ट 3 दिन के अंदर, और फिर मुझे इसका टेस्ट लगाना है, तो आप ऑटोमेटिकली पढ़ पाते हो। तो ये वाली चीजें हैं। एनसीईआरटी में भी मैं मार्किंग देता हूं अपनी, और बताता हूं कि देखो कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, कौन सी नहीं है। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे यहां पे कोई चीज है, जैसे कौन सा चैप्टर है, ये मान लीजिए ऊतक है, टिश्यू है ये, तो टिश्यू चैप्टर की जो मार्किंग है वो मैंने दी हुई है यहां, कि कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज नहीं है, सारी की सारी चीजों का जो इंपॉर्टेंट है मैंने मार्क किया हुआ है, ना सिर्फ यहां बल्कि क्वेश्चन भी बताया हुआ है कि डायग्राम देके किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, कहां पे कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, ये सब मार्किंग करके आप लोगों को बताया हुआ है, इसलिए आप लोगों को कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। ये देख सकते हैं आप कितने अच्छे से यहां पे सारी चीजें बिल्कुल एक्सप्लेन की गई हैं। ये सारे के सारे नोट्स आप लोगों को उसी में मिलते हैं। ये देखो इसमें लिखा भी है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है, एनिमल टिश्यू सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बेरी बेरी मोस्ट लिखा हुआ है, यहां से पूछा है, यहां से मानव से रिलेटेड चीजें स्टार्ट हो गई हैं, इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये सारी की सारी मार्किंग मैं हिंदी और इंग्लिश में आप लोगों को प्रोवाइड करवाता हूं, देख लीजिए जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको मार्क करके दिया हुआ है। तो आई होप कि आप लोगों को चीजें समझ आ गई हैं। इन लास्ट
मैं बस आप लोगों से यही कहना चाह रहा हूं कि आपको ऐप में आना है, अगर परचेज करना है तो आप परचेज कर सकते हैं, वहां पे परचेज आएगा, नहीं तो व्यू कोर्स में आइए, फ्री ऑफ कॉस्ट भी टेस्ट लगाने हैं तो टेस्ट में जाइए और यहां से अपने सेक्शनल वाइज जो भी टेस्ट लगाना है आप उसके अंदर जाके फ्री जो टेस्ट होंगे वो मिल जाएंगे उनको लगा लीजिए। पेड वाले स्टूडेंट इस टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लें, और उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप कुछ करें या ना करें, ये इंट्रोडक्शन एंड गाइडेंस की जितनी वीडियोस हैं इनको देख लो, आपका सारा डर निकल जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और इसमें लगातार वीडियो अपडेट होंगी कि मार्क्स कैसे इंप्रूव करने हैं, हर चीज पे दूंगा मैं, सारी की सारी वीडियोस अपलोड करता हूं। और इसके अलावा ये सिलेबस डिस्कशन देख लें आप लोग, और इसके अलावा टारगेट क्या होता है, कैसे कंप्लीट करना होता है, वो यहां से देख लें। तो आई होप कि आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर। आई होप कि अब कोई डाउट नहीं रहा होगा क्योंकि मैंने पूरी कोशिश की है आप लोगों को बताने की। तो फ्री वाले बच्चे भी अपने टेस्ट सीरीज लगाइए, आराम से एंजॉय करिए, फुल टेस्ट भी आप लोगों के लिए एलिजिबल है, हर सेक्शन के अंदर आप लोगों को फ्री टेस्ट सीरीज मिलेगी, बस ये समझ लीजिए, जाइए और लगाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।